माशाल्लाह, शी क्या हो गया? अरे मियां अंधे हो गए हो क्या? लड़की नजर नहीं आई? अरे ये तो हिजड़ा है, हम समझे लड़की है। क्या कहा? हिजड़ा जी। चलो गंदा फोन था, रह गया। मेरा सारा धंधा खोटा कर दिया सत्यानाश। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा असल में मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, आराम से लेटे रहो। मुझे माफ कर दो, दरअसल वो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी भी इसी अस्पताल में दाखिल है। ले जाओ, ले जाओ। क्या हुआ मेरी माँ? मेरा मतलब आपकी बीवी को? अल्लाह पाक ने 17 साल बाद औलाद की नवीद दी है, लेकिन मेरी बीवी के जिस्म में खून ना होने के बराबर है। डॉक्टर्स का कहना है कि माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, जो हुआ इसी परेशानी में। खैर तुम आराम करो, जरा मैं देख कर आता। क्या मेरी माँ की सोनी गोद फिर भरने वाली है? या अल्लाह मेरी जान ले ले, मगर मेरी मां से इस बार औलाद की खुशी मची। एक्सक्यूज मी, मेरी एक मदद करें। अरे डॉक्टर साहब, आप खून का इंतजाम हो गया है। मेरी फैक्ट्री का एक वर्कर है जिसका ब्लड ग्रुप भी यही है, वो शहर में ढिंडोरा, बगल में बच्चा। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बीवी के लिए ब्लड का इंतजाम हो गया था। अच्छा, किसने दिया खून? कौन है वो नेक इंसान? वो जानकर क्या करोगे मंजूर हुसैन, वरना मुझे भी घर से निकाल बाहर करोगे। क्यों क्यों मैं क्यों ऐसा करूंगा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मेरे अंदर से जो गंदा खून निकला था वो फिर से वापस आ गया मेरे जिस्म में मंजूर हुसैन। शायद चला गया मंजूर हुसैन, मगर जाते जाते अपनी माँ की होने वाली औलाद की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दे गया वो। जी हाँ, उनका ब्लड ग्रुप मैच हो गया। उस बेचारे का तो एक्सीडेंट हुआ था, उनका खुद का खून इतना बह चुका था कि उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कस्में दे देकर आपकी बीवी को ब्लड दिया। लेकिन जब तक हम उनका ट्रीटमेंट करते वो हॉस्पिटल से जा चुके थे। मुझे भी छोड़ दोगे क्या? क्योंकि वही गंदा खून मेरे जिस्म में वापस आ चुका। बोलो मंजूर हुसैन, जवाब दो मुझे। आज मुझे तुमसे जवाब चाहिए मंजूर हुसैन, बोलो मुझे भी छोड़ दोगे? बोलो मंजूर हुसैन, बोलो जवाब दो।